दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि अपने YouTube चैनल को Facebook से कैसे लिंक करेंगे। इसके लिए आपको क्रोम ब्राउज़र में जाके Facebook से लॉगिन होना होगा। लॉगिन हो जाने के बाद आप यहाँ सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना होगा YouTube टैब। जब इसे YouTube टैब सर्च करेंगे तो आपके सामने इस टाइप का आएगा, लोगो देख ले YouTube टैब का। उसके बाद आपको यूज नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक पेज खुलेगा जिसमें लिखा हुआ है एड दिस ऐप टू योर पेज। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। वहाँ पर उसके यहाँ पर क्लिक करें, जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने फेसबुक आईडी आ जाएगा, उसको सिलेक्ट करके एड पेज कर दें। जब एड पेज करेंगे तो कुछ इस तरह से आपका इंटरफेस या लुक आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे की तरफ स्लाइड करके देखेंगे थोड़ा नीचे तो आपके सामने एप्लीकेशन सेटिंग ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको नीचे पर देखिए, यहाँ पर आपको यूट्यूब का URL या लिंक पेस्ट करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, यूट्यूब ओपन करना है वही क्रोम ब्राउज़र से। यूट्यूब लॉगिन हो जाए, जब यूट्यूब लॉगिन होंगे क्रोम ब्राउज़र से तब यहाँ देखें लेफ्ट के टॉप में तीन लाइन है, वहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो पेज खुलेगा वहाँ से आप होम पे क्लिक करना है। होम पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपका चालू हो जाएगा। फिर आपका इमेज है, लोगो है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे जो पेज आएगा उसमें सेटिंग है, सेटिंग को आपको क्लिक करना है। जब सेटिंग क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद आपको देखिए जो आपको फ़ोटो है, इमेज है, उसके बगल में एडवांस लिखा हुआ है, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे नीचे एडवांस में देखें, नीचे पेज में यह YouTube चैनल ID ये रहा, इसको आपको कॉपी करना है। आप यहाँ से कॉपी कर ले पूरा। कॉपी कर लेने के बाद फिर आपको फिर उसी Facebook पेज पे जाना है जहाँ पर आप लास्ट में थे। चलिए चलते हैं फिर वहीं पे। ये रहा मेरा फेसबुक पेज जो लास्ट में था। उसके बाद आपको यहाँ डिलीट करना है, जो पहले से है उसको आपको डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद आप यहाँ उस URL को यहाँ पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद ऐसे YouTube चैनल को अपने फेसबुक में लिंक कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि इसी तरह मेरे आने वाले वीडियो आप तक पहुँचता रहे। और कमेंट करना ना भूलें कि कैसा लगा, और शेयर ज़रूर करें।